अब देख बिना ब्रेक। डाउनलोड टक ऐप। 47 पन्नों वाली संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। इन 47 पन्नों में पाकिस्तान की हकीकत है और पाकिस्तान के गुनाहों का अफसाना। दरअसल संयुक्त राष्ट्र आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व में पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता लगातार बिगड़ती जा रही है। तहरीके इंसाफ सरकार द्वारा भेदभावपूर्ण कानून ने धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमला करने के लिए चरमपंथी मानसिकता वाले लोगों को सशक्त बनाया है। आयोग का कहना है कि इस्लामी राष्ट्र में विशेष रूप से ईसाई और हिंदू समुदाय, खासतौर से महिलाएं और लड़कियां कमजोर हैं। हर साल हजारों को अगवा करके धर्मांतरण के बाद मुस्लिम व्यक्ति से शादी कराई जाती है। इसके साथ ही आयोग ने पाकिस्तान में उस इश निंदा कानून का विरोध किया जो किसी पर इस्लाम का अपमान करने के आरोप में अपराधी बना देता है। इसका दुरुपयोग करके धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जाते हैं और ये विवाद और पीड़ा का स्रोत है। तो यही है असली पाकिस्तान का सच। दुनिया पाकिस्तान की हकीकत से अनजान तो नहीं है, लेकिन यूएन ने पाकिस्तान में उठ रहे सवालों का माकूल जवाब इस रिपोर्ट के जरिए तो दे दिया है।